क्या पाकिस्तानी जासूस हैं सीमा हैदर? क्या वो अपनी बॉडी में कोई चिप लगाकर हिंदुस्तान में आई हैं? क्या करने आए हैं सीमा हैदर आशिकी या जासूसी? क्या है सीमा हैदर के मंसूबे? किस लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की बहू बनने के लिए आई हैं? इस तरह के तमाम सवाल यूपी एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर को हिरासत में लेकर उनसे पूछ रही है। अवैध तरीके से भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। मीडिया में उनकी ही चर्चा हो रही है। कोई उसे प्रेम से जोड़कर देख रहा है तो कोई उसे पाकिस्तानी जासूस बता रहा है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम सीमा हैदर और उसके कथित प्रेमी से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि खबर है कि वो एटीएस की पूछताछ में मदद नहीं कर रही और सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीमा हैदर के भारतीय साथी सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल सिंह से भी पूछताछ की गई है। अधिकारी ने बताया कि दोनों को बीते मंगलवार को सुबह करीब 8:30 बजे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में स्थित उनके आवास से उठाया गया और करीब 10 बजे नोएडा स्थित एटीएस कार्यालय लाया गया, जहां देर शाम तक पूछताछ की गई। सीमा हैदर, सचिन और उनके पिता रात 8:15 पर एटीएस कार्यालय से निकले। हालांकि एटीएस ने तीनों से दोबारा पूछताछ करने को लेकर कई जानकारी नहीं दी और न ही कोई टिप्पणी की। सीमा पार से आई महिला और भारतीय पुरुष के इस जोड़े से उत्तर प्रदेश एटीएस ने सोमवार को नोएडा स्थित अपने कार्यालय में पहली बार पूछताछ की। दूसरी पूछताछ उन्होंने मंगलवार को की। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी हैं, जो 2014 में शादी के बाद कराची में रह रही थी। सीमा और सचिन 2019 में ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उसके बाद सीमा नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश की और अपने प्रेमी सचिन के साथ दिल्ली पहुंच गई। इस साल मार्च में सचिन और सीमा नेपाल के काठमांडू में मिले, जहां वे 7 दिनों तक साथ रहे और गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। पुलिस के अनुसार अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने कराची स्थित घर वापस पहुंचकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में एक प्लाट बेचा और खुद को अपने बच्चों के साथ लेकर नेपाल के लिए वीजा और विमान के टिकट की व्यवस्था की। सीमा उसके बाद अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारत आ गई। सीमा पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की माँ भी है। सीमा हैदर और सचिन मीणा को पहली बार 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा से स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 जुलाई को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि दोनों पर नजर रखी जा रही है। इधर एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, साथ में स्थानीय पुलिस विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की अलग से जांच कर रही है, लेकिन इसने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। बता दें कि गौरतलब है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ रहने के लिए मई में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए। तो इस साल की शुरुआत में नेपाल में शादी करने का दावा करने वाला ये जोड़ा पहली बार 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए संपर्क में आया था। मुंबई पुलिस को मंगलवार को फोन कर कहा गया कि शहर में एक बम लगा दिया गया है। पुलिस को 2 दिन में दूसरी बार एक कॉल आई थी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के अपने वतन नहीं लौटने पर आतंकवादी हमला करने को लेकर मिली धमकी के संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सबसे पहले जो फोन कॉल आई थी उसमें कहा गया था कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान नहीं लौटती हैं तो भारत 26/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहे। पुलिस ने बताया ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आया था। इस मामले में वर्ली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या पहचान छुपाने के लिए कॉल स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। इन सारे मामलों के बाद एटीएस की टीम ने सीमा हैदर से पूछताछ के बारे में कुछ खास जानकारी मीडिया के सामने नहीं रखी, लेकिन इतना जरूर बताया कि उन्हें सीमा हैदर पर सॉलिड शक है कि वो कुछ झोल कर रही हैं। उनके बातों में कुछ झूठ स्पष्ट रूप से पकड़े जा रहे हैं। बता दें कि एटीएस का दावा है कि सीमा हैदर के आधार कार्ड में उनकी उम्र जो मिली है वो उनके बताए गए उम्र से काफ़ी छोटी है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने कम उम्र में उसके इतने बड़े बड़े 4 बच्चे हैं। उससे भी ताज्जुब की बात ये है कि जिस पति से इसने लव मैरिज किया था उसी को छोड़कर किसी और के लिए भाग आई, वो भी ऐसे वैसे जगह नहीं बल्कि मुल्क से ही बाहर आ गई। इसके साथ उनको शक है कि जो सीमा हैदर का पति है वो विदेश में रहता है, उसके बच्चे और उसकी पत्नी
उसको छोड़ किसी और के पास चले गए हैं। उसके बावजूद भी वो वीडियो कॉल पर विदेश में रहकर बातचीत कर रहा है। इस जगह पर और अगर कोई भी रहता तो वो भागकर अपने मुल्क आता और लोगों से बात करता, रोता बिलखता और तमाम तरह की कार्रवाई करता, लेकिन वो शांत बैठकर विदेश में वीडियो कॉल या कॉल पर अपनी बात रख रहा है। इससे उनको एक और डाउट हो रहा है कि शायद कुछ ये दोनों छुपा रहे हों। इसके साथ यूपी एटीएस का दावा है कि सीमा जो खुद को पढ़ी लिखी नहीं बताती हैं, जैसे तैसे उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई इधर उधर से कर ली। उनका ऐसा कहना है, एक वैसी लड़की भारत कैसे आ सकती है, वो भी किसी के बिना मदद की। उसके बाद आती तो आती है, सीमा पार करके आ भी जाती है, कुछ महीने रह भी लेती है, फिर भी उसके बारे में किसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लगती। इतने अच्छे तरीके से इस वारदात को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, वो भी बिना किसी मंसूबे के। इस बात पर भारी शक है एटीएस को, जिस वजह से वो लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। और पूछताछ करने के बाद यूपी एटीएस को लगता है कि उनका जो शक है वो सही है, कहीं ना कहीं सीमा हैदर गलत है और कुछ ना कुछ वो छुपा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।